नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। फिलहाल आप सब लोगों के साथ एक बड़ी खबर के चलते लाइव जुड़ा हूं। खबर आप लोगों को मैं बता दूं, टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता, जिसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो जो जी सब पर आता है, जहां पर आप बबीता जी के नाम से जो करेक्टर देखते हैं, जिनका नाम रियल नेम बबीता जी है और रियल नेम मुनमुन दत्ता है, दरअसल आज वो हांसी एसपी कार्यालय में पहुंची और हांसी में उनका आने का कारण क्या है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दरअसल उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करी और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि यूट्यूब पर मैं सुंदर दिखना चाहती हूं, ये नहीं दिखना चाहती, डॉट उन्होंने एक वर्ड यूज करा जो डिस्प्यूटेड वर्ड था, जिसके चलते आज उन्हें हांसी एसपी ऑफिस में पहुंचना हुआ, जांच में शामिल होना हुआ। दरअसल इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए, लेकिन उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। उसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को रोक लगाने के लिए याचिका फिर से दायर की। उसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि 4 फरवरी को उन्हें हांसी में जांच में शामिल होना होगा, लेकिन वो 4 फरवरी को शामिल होने के बजाय 7 फरवरी 2022 को हिसार जिले के हांसी शहर में एसपी कार्यालय में पहुंची और उनकी जांच में वो शामिल हुई और काफी देर तक ये जांच जो है चालू रही और काफी देर तक बातचीत भी पुलिस वालों के साथ उनकी चालू रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो वहां से जाने लगे तो उनका जो पुलिस जो फोन था, जो उनका मोबाइल था जिससे उन्होंने वीडियो बनाई थी, पुलिस ने वो अभी अपने हिरासत में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और साथ साथ उन्हें अभी यहां से जाने दिया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है। तो आप लोगों को मैं फिर से बता दूं एक बार, ये वीडियो उससे पहले आप देख लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आखिरकार बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता ने कहा क्या था। बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूं और मैं अच्छा दिखना चाहती हूं, तो ये है वो वीडियो जो आप लोगों को स्क्रीन पर अभी मैंने दिखाई। तो इसके चलते ही ये इतना बड़ा विवाद बना, इसके चलते ही मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी हांसी पहुंची और इसी के चलते ये 2 से 3 घंटे की या 4 घंटे की जो भी जांच थी जिसमें वो शामिल हुई। लेकिन खास बात ये दिखती हुई नजर आई कि उन्होंने जब हांसी पहुंचे, हांसी पहुंचने से लेकर के जाने तक कुछ भी मीडिया वालों से खासतौर पर बात करें एक लफ्ज भी बात नहीं करी, ना ही उनके वकील ने बात करी और ना ही कुछ ऐसा हिंट दिया कि आखिरकार उन्होंने क्यों ये बात कही थी, आखिरकार उन्होंने क्यों ऐसा वर्ड यूज किया था या उनकी क्या इंटेंशंस थी, कुछ भी उन्होंने सफाई देने की कोशिश ही नहीं करी। तो ये वीडियो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं किस तरीके से वो हांसी पहुंचे, हांसी पहुंचने के बाद वो यहां से जाते हुए नजर आए। लेकिन भीड़ का जमावड़ा अगर बात करूं, खासतौर पर उनके बाउंसर्स की बात करूं, तो काफी ज्यादा देखने को मिले, हांसी एसपी ऑफिस के बाहर भी देखने को मिले, कोर्ट के बाहर भी देखने को मिले, वहां पर उनसे कोई भी बातचीत नहीं करने दी गई। ये वीडियो आप एक बार देख लें। मैम आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैम मैम कुछ कहना चाहेंगे, मैम कुछ कहना चाहेंगे, मैम वुड यू लाइक टू से समथिंग, मैम
कुछ कहना चाहेंगे मैम इस बारे में? भाई थोड़ा भाई चलो यार। मैम कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? तो अभी के लिए उन्हें वापस भेज दिया गया और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की तरफ से एक आ गया है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें फिर से भी बुलाया जा सकता है। हमारी हांसी के डीएसपी विनोद शंकर जी से बात हुई है तो उनसे खास बातचीत जो है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक बार ये वीडियो भी आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को अंत करेंगे। इसके बाद क्या फौरी तौर पे पुलिस बेल पे छोड़ दिया गया क्या? हाँ यही इसमें डायरेक्शन होती है, इंटरम बेल में जो है उसको बेल बॉन्ड पे रिलीज करना होता है, वो कर दिया हमने इसको बेल। स्टार्ट में से गिरफ्तार किया था क्या है जी? आज फौरी तौर पे गिरफ्तार करके फिर पुलिस बेल? गिरफ्तारी का क्या मतलब समझते हो आप? आप ये क्वेश्चन करते हो तो समस्या पैदा होती है सर। इसमें कब मामला दर्ज? भाई इंटरम बेल पे है, कोर्ट ने इंटरम बेल दे रखी उसको ऑलरेडी। अच्छा। हमने बता तो दिया कि बेल बॉन्ड पर रिलीज करना होता है, बेल बॉन्ड पे हमने उसको रिलीज कर दिया। अब आप कह दो उसको गिरफ्तार किया था तो हमने क्या हथकड़ियाँ लगाई थी? गुस्सा थोड़ी किया था, इंटरम बेल पे है वो और उसको उस पर बेल बॉन्ड पर रिलीज करना था, उसको बेल बॉन्ड पर हमने रिलीज कर दिया। ये एफ आई आर लॉन्च कब हुई थी सर? मई में। और कौन सी धारा के तहत सर मामला दर्ज? एस सी एस टी। अन्य कोई तारीख दी है कैसे? नहीं अभी तो अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा कॉल कर लेंगे, ये उसके लिए बाउंड है हाईकोर्ट से पहले ही। अच्छा। लेकिन अभी आज जितनी इन्वेस्टिगेशन हमने करनी थी वो कर ली हमने और बाकी अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे। फिर बुला जी। सर इनके साथ तो कोई वकील भी थे या कौन शामिल हुआ? हाँ उसका वकील, उसकी लेडी वकील भी उसके साथ थे। तो ये थी हांसी के डीएसपी विनोद शंकर जी की स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से बुला सकते हैं लेकिन अभी उनको भेज दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कमेंट करके यहां पर पिछली वीडियो में भी ये कह रहे थे कि एस सी एस टी एक्ट का जो ये मामला है ये गलत तरीके से लगाया जा रहा है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। आप लोगों की इसमें क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जल्द आप लोगों के साथ मैं अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्दी, और आप लोगों की इसमें जो भी राय है बेबाकी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।